भेटणार दीपक जोशी जे इन्शुरन्स हे त्यांचं करिअर बेस्ड आहे आणि त्यानंतरही त्यांनी फक्त त्यांचं काम चालू न ठेवता एक असं फाउंडेशन उभं केलं ज्याच्यामुळे मुलांना एज्युकेशन मिळेल, ज्याच्यामुळे त्यांच्या छोट्या छोट्या गरजा पुऱ्या होतील, त्याच्यामध्ये हॉस्पिटलचा खर्च किंवा जे काही इश्यूज मुलांना फेस करायला लागतात ते त्यांच्या हिशोबाने ट्राय करतात की ते पूर्ण करतील. आणि त्यांनी एक इन्स्टिट्यूट चालू केली ज्याचं नाव आहे इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सिलन्स म्हणून. हां सर, सर तुम्ही हे किती वर्षापासून फाउंडेशन चालू केलं आहे आणि का केलं आहे सर? असं काही इन्सिडेंट्स तुमच्याबरोबर होता की काय रिझननी तुम्ही हे फाउंडेशन चालू केलं? ॲक्च्युली वी स्टार्टेड इन ऑलमोस्ट 20 years बॅक द फाउंडेशन इन्शुरन्स फ्रॉम लास्ट 33 years. ओके. बिफोर दॅट माय फादर गट पॅरालिसिस स्ट्रॉक इन माय चाइल्डहुड. ओके. सो द हार्डशिप ऑफ money and everything. Achha, you have seen that. So, that was just a natural experience. Okay. So, but that hit you and... I will not say, but I worked hard. Okay. And from upbringing of parents, they taught us to help others, always. Okay. Even we were poor, with that time also we were healthy. Okay. So, when you do something for others, you be more happy. That's the main reason. त्यांचं म्हणणं हेच आहे जे आपण दुसऱ्यांसाठी करतो तेच पुण्य आपल्याला मिळतं. आणि त्यांनी जे हार्डवर्क केलेलं लहानपणापासून आणि त्यांच्या जे पॅरेंट्सनी त्यांना जे शिकवलं, मला वाटतं त्यामुळेच त्यांनी हे फाउंडेशन उघडलं असेल आणि त्या इन्सिडेंटमधून त्यांना खूप काही आपल्या पॅरेंट्सकडून मिळालं असेल. सर, आज के युथ के लिए आप क्या कहना चाहते हो? उनको अपने सोसाइटी के तरफ क्या करना चाहिए या कैसे? See, आज के यूथ के पास है ना, इट्स अ ग्रेट पावर. दे आर एंथुसियास्टिक बाय एज, दैट्स फर्स्ट थिंग. नाउ पहले के जमाने में कोई फैसिलिटी नहीं था, ना गूगल था, ना नेट था, तो सोशल मीडिया वॉज नॉट सो पावरफुल. इफ दे यूज दिस टेक्नोलॉजी, आई थिंक वो अपना दिन का आधा एक घंटा भी अगर निकाले ना या 15-20 मिनट निकाले तो दुनिया बदली कर सकते हैं. ईच एंड एवरी बडी, दैट्स वेरी पावरफुल एक्चुअली. इवन द नेचर सीज व्हेन यू हेल्प अदर्स यू आर हेल्प्ड. पहले तो ऐसा होता था आपको गांव में जाओ किसको या शहर में जाओ किसकी मदद के लिए, आज वो नहीं रह गया. आज वर्ल्ड इज अ विलेज. सो आज यूथ का वो पावर है ना कि आज कहीं भी अमेरिका में इवन अननोन लोगों को आप भेज दो, मेल भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, कहीं भी भेज दो, वो यूथ कर सकता है. अच्छा, पुराने लोग को यूज्ड टू नहीं हो, दे आर नॉट यूज्ड टू टेक्नोलॉजी. तो आज का यूथ बहुत कुछ योगदान दे सकता है कि भाई एक छोटे से कम्युनिकेशन से वो बहुत कुछ जनरेट कर सकते. सरांनी खूप चांगली गोष्ट सांगितली की पूर्ण पृथ्वी किंवा पूर्ण वर्ल्ड हे एका गावासारखं झालं आहे आता, कारण का कम्युनिकेशन एवढं क्लिअर आणि इझी आहे. सर, सनी पवार के बारे में आपने सुना है, उनके लिए आप क्या सोचते हो कि वो यूथ ने जो काम किया है या कर रहा है उसके लिए आप क्या बोलोगे? क्या होता है लाइफ में, अच्छी और बुरी घटना होती है. लेकिन मैंने देखा है बुरी घटना भी होती है, अच्छी घटना भी होती है. लेकिन जब बुरी घटना होती है, एंड व्हेन यू आर नोबल, योर अपब्रिंगिंग इज नॉर्मल, यू डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, वेरी गुड, यू डू द पॉजिटिव थिंग. जस्ट लाइक नितीश दैट फेस्ड द कैंसर, सो सुनील दैट स्टार्टेड हेल्पिंग कैंसर पेशेंट, लाइक सो एवरी नोबल पर्सन व्हेन दे कम विद द रॉन्ग बैड थिंग्स इट सीम्स समथिंग रॉन्ग, बट इफ यू टेक इट पॉजिटिवली इट्स समथिंग डिवाइन. The world wanted to help lots of people, so maybe it's a nimit, bolte hai na, aarti ka ek nimit tha. So usne positively liya. So, aur har youth aisa positively leve. So that can be a miracle. Kuch to passion rahega sir, ya kuch to aisa hua hoga ki aap itna pura apna time aur sab force lagate hai, matlab being family priority, phir bhi aap itna time foundation ko de rahe. एक्चुअली मतलब मैंने पहले बताया बचपन से फादर के इंसिडेंट्स की वजह से नॉर्मल कल्चर के हिसाब से अच्छा काम तो करते थे,
देन वी मेट विथ एन एक्सीडेंट. हमारा 11 साल का लड़का था. वी मेट विथ एन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट व्हाइल कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट. सिंगल सर. नाउ हाउ ओल्ड वाज ही सर? 11 इयर्स एंड आई थिंक 12 इयर्स बैक दिस इंसिडेंट हैपेंड. सो ही वुड हैव बीन टुडे 22 23 इयर्स. फॉर 25 इयर्स ऑलमोस्ट. नाउ I believe in more in spirituality. So anything happens to you has some cause. So I thought God has thought कि इसको थोड़ा selfish नहीं बनाना है, क्योंकि आदमी जब कमाता है ना, बच्चे होते हैं तो बच्चे के लिए जमा करते हैं. अगर बच्चे ही नहीं है तो भी जमा किसके लिए करना है? सो एक बच्चा नहीं रहता तो सब बच्चे अपने हो जाते हैं. सो दैट वे ऐसा पहले से वो दिल में था ही, लेकिन उसको और स्ट्रांग बिलीफ मिल जाता है कि भाई अनिल भी मेरा ही बच्चा है, लाइक दैट. आप भी मेरे बच्चे, भी मेरा बेटा ही. सो बेटा वो तो मेंटल है ना. हाँ. अभी आप मेरी बेटी नहीं हो, मुझे पता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट. तो अपने वो वाइफ के थ्रू ही आएगा बच्चा, अपना थोड़ी होता है लाइक दैट. सो ऐसे बहुत कम सोचने वाले रहेंगे. हाँ. और जो ये सुन रहे हैं, आई थिंक उनको कुछ सीखना चाहिए इससे कि दिस इज रियल फैक्ट. मेरी वाइफ है ना, हमेशा वो मेरा बेटा देवांग, देवांग में ही पूरा मेरा देवांग, मेरा देवांग. वो जाने के बाद अभी कोई भी बच्चा दिखता है तो उसमें उसको देवांग दिखता है, उसको प्यार करेगी, उसको चॉकलेट देगी. मेरा पहले से ऐसा था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वी ऑल आर सोल एंड वी आर जस्ट कमिंग टूगेदर. सो वो एक पूरा अलग story. Thank you, sir. So, thank you. It is nothing and he is gone. होगा तो जाएगा like that. मैं तो जाना मना तो किधर होता नहीं, लेकिन उसकी वजह से होता है कि your love, see, मैंने हमेशा देखा है, मतलब we will talk something off track also. Yeah. हमने देखा है कि जब आप सेल्फ में से बाहर आ जाते हो ना, मेरा क्या, तो अपने को लगता है मैं खो जाऊंगा, लेकिन खोने के बाद दुनिया मिलती है. How well said. True. फिर कुछ खोने के मेरा मिल गया, तो मैं अभी मेरी बहन है, ये तो मेरी बेटी है, तो मैं उसको मेरी बहन मेरी बेटी करूंगा. मेरी बहन नहीं रहेगी ना, तो फिर तुम्हें मेरी बहन दिखती लाइक दिस. सो जो भी सोशल कॉज करते हैं ना, वो लोग को कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है. हर एक के लाइफ में इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन उसको अगर पॉजिटिवली लिया ना, वो डिवाइन हो जाता है, दुनिया का भला करता है. और नेगेटिवली लिया तो फिर लाइफ खुद की बर्बाद करता है, फैमिली की भी बर्बाद करता है, और बहुत लोग की लाइफ बर्बाद कर सकते हैं. इंसिडेंट हो ही होता है, बट पॉजिटिवली लिया तो इट वर्क्स डिवाइन हो जाता है. सो भगवान ने उनको कुछ ना कुछ प्रेरणा दी, सिखाया कोई उसको डिवाइन लो. सो रहता है फिर सबका भला करो लाइक दैट. हमने आज तक वो प्रकाश शांते को बुलाया था, तो वो अच्छा काम करे था. हमने फंड रेजिंग के लिए उनको फंड रेज करके दे दिए 10-12 लाख रुपये. फिर वो सिंधु तो सकपाल वो उनको बुलाया था, तो वो भी 1000 बच्चों को बड़ा कर रही है. सो वी सपोर्टेड दैट ऑल्सो. सो कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम कर रहा था. हमारे थ्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं. हम जब मिट जाते तो मैं मिट गया तो हम होता था. मैं मिटना इम्पोर्टेंट है, तो सब अपने हो जाता है. इंसिडेंट सगळ्यांबरोबर होऊन दे असं नाही आहे, पण हे इन्सिडेंट म्हणून नुसतं घेऊ नका, पण त्यातून काहीतरी शिका. थँक यू. मैं में स्वार्थ होता है, और मैं मिट गया तो फिर पूरी दुनिया मेरी हो जाती है, सब हमारे हो जाते हैं.